أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وَجَعَلْنَاهَا رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وَبِئْسَ المصير <applause> اب یہاں پر صرف 5 منٹ محترم مهارون ثنابلی صاحب کے لیے اس کے بعد میں دیگر کر علماء کرام کو دعوت 5 منٹ کے لیے جمعیت سے محترم حارون سنابلی صاحب ناظم امور تنظیم کچھ اہم بات ہے اس کے بعد انشاءاللہ اہل علم الحمدللہ الحمدللہ الحمد و سلام علی عباده الذین استفا ما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ मरकज़ी जमयत हिलदीस हिंद के अमीर मोहरम और उसी ज़मीयत के नाजिम आला शेख असगर इमाम मेहदिया सलफ़ी खाजन वकील परवेज़ साहब कानफ्रेंस के कनवीनर जनाब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ किंदी साहब दीगर माए क्राम इस्लामी और मिल भाइयों वक्त बहुत कम है और बहुत सारेमा क्राम को अभी खिताब करना है इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि पाँच ही मिनट में अपनी बात ख़त्म कर दूँ सब से पहली बात तो मैं अर्ज़ करूँगा मरकजी जमयत अहिलदीस हिंद ने इस्लामी अतदाल अमन आलम और फला इंसानियत का जामिन उसवान से ऐसे वक्त में इस मुल्क में आवाज दी है जबकि पूरी दुनिया अफरा तफरी का शिकार है इफरात तफरीत का शिकार है दुनिया में गुलू आम हो चुका है चाहे वो अकीदे का हो इबादत में नमाज हो रोज़ा हो हज हो जक़ात हो माशी जिंदगी समाजी जिंदगी आयली जिंदगी सियासी जिंदगी एक बाप की जिंदगी माँ की जिंदगी शोहर की जिंदगी बीवी की जिंदगी बच्चों की जिंदगी पड़ोस की जिंदगी रिश्तेदारों की जिंदगी अपनी जिंदगी गैरों की जिंदगी मुसलमानों की जिंदगी गैर मुस्लिमों की जिंदगी इसमें अत्तदाल की जरूरत है और मजीद अगर हम पढ़ेंगे तो अल्लाह फरमाता है इन अल्लाह यादली वाई दिल कुरबा अल्लाह फरमाता है हाफिजा नबी ये पाक फरमाते हैं खैर औ लेकिन अगर बदअतदाली देखी जाए तो मुसलमानों में अकीदे की बद अतदाली यह है कि शायर अल्लाह और रसूलुल्लाह को सामने रख के कहता है कि अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है मुझे जो कुछ लेना है मैं ले लूंगा मोहम्मद से अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है मुझे जो कुछ लेना है मैं ले लूंगा मोहम्मद से यह जो मुस्तवी आज था उतर पड़ा है मदीना में मुस्तफा होकर या तुझको खुदा कहूं खुदा को खुदा कहूं दोनों की शक्ल है किसको खुदा कहूं और सिर्फ इतना नहीं ये तो अल्लाह और रसूलुल्लाह का अल्लाह और अलिया का दरे हजरत पे है जाहिर झुका दे अपनी पेशानी के अर्ज हिंद का यह काबा मुश्किल कुशाई है दरे हजरत से मैं मायूस जाऊं गैर मुमकिन है कि मुंह मांगी मुराद इस दर पे हर साइल ने पाई है इबादत जानता हूँ दर गए अकदस के सर्दों को शिफात के लिए यह बेबहहा दौलत कमाई है मेरे 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 आका मेरे दाता मेरी बिगड़ी बना दो तुमने लाखों की बनाई है ये मुसलमान है अल्लाह फरमाता है सच फरमाता है वो माँ बिनू अक्सर हम बिल्लाक अकीदा क्या है तो ईद क्या है, है? अल्लाह तबारक के ताल्लुक से मोमिन को जानना जरूरी है आखिरी बात इबादत के ताल्लुक से नबी पाक ने हर चीज में अदाल सिखलाया सहाबाए इकराम की सोच हजरत नबी पाक के पास तशरीफ लाते हैं हदीस में आता है और आने के बाद लंबी हदीस इख्तिसार ये कि उनमें से एक आदमी ये कहता है कि जिंदगी की सारी रातें इबादत में गुजार दूंगा नमाज में गुजार दूंगा नवाफिल में गुजार दूंगा قیام में रुकू में सजदे में सभी इबादत है सब सवाब है एक एक दूसरे कहते कहते हैं हैं ज़िंदगी के के सारे दिन रोज़ों में गुजार तीसरे जवान शादी ही नहीं अल्लाह ने नमाज भी पढ़ता हूं और सोता भी हूं मैं रोजा भी रखता हूं और अवतार भी करता हूं मैंने शादियां कर रखी हैं, इस तलुक से मेरे भाईयों चाहे इबादत हो अखलाक हो आपकी माशी जिंदगी हो सियासी जिंदगी हो तिजारत की जिंदगी हो आपकी शादियों ने कहा ब्याह की जिंदगी हो घर की जिंदगी हो बाहर की जिंदगी सब में अतदार होना चाहिए आखिरी बात मरकजी हिंद ने यह कॉन्फ्रेंस सजाई है मुझे बहसी मरकजी जिम्मेदार की आवाज दी है लेकिन मैं सूबा की यह नुमाइंदगी आपके सामने करना चाहता हूं कि सूबा मगरबी यूपी की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से इस कॉन्फ्रेंस के तमाम जिम्मेदारान को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं इस नाते कि जिस मौसम में ये शुरुआत हुई थी लेकिन जम गफ़ीर है यहाँ जो मेहनतें की गई हैं और जिन मेहनतों के साथ और जिन जिन आ, पूरी कोशिशों के साथ इसे सजाया है अल्लाह तबारक तला ने इसे अख्ताम तक पहुँचा दिया मरकजी जमीत आज दुनिया में हक़ की आवाज़ है किताबों सुन्नत की आवाज है सही माना में अल्लाह और उसके रसूल की सदा का वाहिद जरिया है इसे वत देना इसे ताउन देना इसके हाथ पर बन जाना इसे दामे दर में कदम सुखने अपनी तमाम तोानाइयाँ फराहम करना मोमिनो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है तुम्हारी जिम्मेदारी है किसी भी निफाक को किसी भी इंतशार को किसी भी तजाक को किसी भी झगड़े को वो वो सबक सिखाना चाहिए ताकि उनका किसी भी तरह का किसी भी तरह का अगर कोई आजम है कोई इरादा है वो चकड़ा चूर हो जाए पूरी इतिहाद के साथ पूरे प्यार के साथ पूरे मोहब्बत के साथ हमें इस जमात को आगे बढ़ाना चाहिए और इसके एक एक दर्श को अपने सीने से लगाकर पूरे मुल्क में आम करना चाहिए यही हमारी दावत है और यही हमारा सबक है अल्लाह तबारक सही माना में उसे हमें आम करने की तोफ़ी नाय फरमा आमीन आखिर दावाना अलहमदिल्ला